बजे मैं मेरी 1 बजे छुट्टी हो गई, ठीक, मैं तुरंत वापस निकल गया फतेहपुर के लिए, ठीक, रवानगी करा के जेडी में, ठीक, रवानगी करा के जेडी में वापस निकल गया। फिर उधर से कहा कहते हैं आज मैं आया हूँ 12, मतलब आज 12 तारीख है, आज मेरी वापसी है। इस बीच में 7 तारीख को मेरे पास वहाँ फोन आता है कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो। मैंने कहा मैंने सैंपल दिया नहीं, खाली फार्म भरवाया था। नमस्कार आदा, एवीएन नेटवर्क में आपका खुश आंदे। आइए जानते हैं क्या है आज की बड़ी खबर। आखिरकार धीरे धीरे कोरोना पर सरकारी खेल की परतें खुलने लगी। अभी तक तो सैंपल लेकर जिसे चाहा पॉजिटिव बता दिया, जिसे चाहा नेगेटिव बता दिया। जिसकी चाही 6 बार रिपोर्ट पॉजिटिव होने के बाद 7वीं नेगेटिव कर दी, तो रसूख और पैसे वालों को बिना इलाज के ही ठीक भी कर दिया। क्योंकि सभी जानते हैं कि कोरोना की अभी तक दुनिया भर में कोई दवाई ही नहीं बन सकी है। जिसे पॉजिटिव का चाहा शव पब्लिक के हवाले कर दिया और जिसे चाहा उसकी लाश को ताबूत में पैक करके सरकारी अमले के हाथों ही दफन करवा दिया या जलवा दिया। घर वालों को अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए। जहां चाहा पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया, यहां की आम रास्ते तक सील कर दिए। मास्क के नाम पर जमकर रंगदारी वसूली की जा रही है, तो जब सरकार ने चाहा तब कोरोना वार्ड में कोरोना पॉजिटिव के बेड से सटाकर मरीज की पत्नी को बैठा दिया, वो भी बिना मास्क लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से ही डिजिटल इंडिया की ढपली बजाई। मोदी की कोशिश रंग लाने लगी। कोरोना की आमद से देश का स्वास्थ्य विभाग इतना एडवांस हो गया कि अब बिना किसी का सैंपल लिए ही बताया जाने लगा कि वो पॉजिटिव है। मोदियों की सरकार की इस अद्भुत खोज का एक नमूना आपके सामने है। मेरा नाम श्याम बाबू है। मैं पुलिस लाइन कन्नौज में तैनात हूँ। ठीक। मैं 29 तारीख को यहाँ से क्या कहते फतेहपुर गया था। ठीक। 4 को मेरी वापसी थी। ठीक। 4 को मैं आया। ठीक। तो फतेहपुर से आने में जिला अस्पताल पहले पड़ जाता है। हाँ। 11:30 बजे मैं आ गया जिला अस्पताल। ठीक। यहाँ फार्म भरवाया। कहे का फार्म भराया था? कोरोना COVID-19। ठीक है, COVID-19 वाले जांच का फार्म भरवाया। ठीक। फार्म भरवाने के बाद क्या कहते हैं उधर गया तो उधर वो जो स्क्रीन पर हाँ ठीक है वाली जांच को हाँ करवाई। ठीक। उसको उस पर्ची को लेके मैं पुलिस लाइन चला गया। ठीक। इन्होंने कहा 1:30 बजे जाँच होगी। ठीक। मैं 1:30 बजे की मैंने कहा ठीक है तब तक मैं देखता हूँ, अगर मेरे अधिकारी मिल जाते तो मुझे छुट्टी लेनी थी 7 दिन। ठीक ठीक। तो मैंने 7 दिन की छुट्टी के लिए फिर वहाँ गया तो पुलिस लाइन में मुझे SIMP साहब मिल गए। ठीक। मैंने तुरंत छुट्टी लिखी, रिकमेंड कराई, रिकमेंड कराने के बाद एडिशनल साहब से मैंने छुट्टी करा ली जाके। ठीक। 1 बजे मैं मेरी 1 बजे छुट्टी हो गई। ठीक। मैं तुरंत वापस निकल गया फतेहपुर के लिए। ठीक। रवानगी करा के जेडी में। ठीक। रवानी करा के जेडी में वापस निकल गया। फिर उधर से कहा कहते आज मैं आया हूँ 12, मतलब आज 12 तारीख है, आज मेरी वापसी है। इस बीच में 7 तारीख को मेरे पास वहाँ फोन आता है कि तुम कोरोना पॉजिटिव हो। मैंने कहा मैंने सैंपल दिया नहीं, खाली फार्म भरवाया था। सैंपल दिया नहीं, मेरी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट कहाँ से आ गई? किसने फोन किया था आपको? यहाँ से 3-4 डॉक्टरों ने फोन किया था। सीएमओ साहब ने फोन किया था। सीएमओ साहब ने भी फोन किया था? हाँ, सीएमओ साहब ने। क्या बताया? पूरा एड्रेस सब कुछ नोट किया है। क्या बताया कि आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है? आप कहाँ पर हो, क्या कहते हैं? तो मैंने कहा सर मैं छुट्टी पर हूँ, मैं फतेहपुर में हूँ। तो उन्होंने कहा अपना फतेहपुर का पता दो। ठीक। मैंने फतेहपुर उनको पता लिखाया, राधानगर गाजीपुर रोड फतेहपुर। ठीक। फिर इसके बाद आप मुद्दे की बात बताइए, आपका सैंपल लिया गया था? नहीं, सैंपल नहीं लिया गया। कोई सैंपल नहीं हुआ? सैंपल नहीं लिया। रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई? रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अच्छा, बिना सैंपल के? बिना सैंपल के। ठीक ठीक। ओके।